महाराष्ट्र के नंदेड़ में होला मोहल्ला रोकने के दौरान हिंसा हो गई। आक्रोशित भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस दौरान पुलिस के वाहनों को भी निशाना बनाया गया। हालात पर काबू पाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाना पड़ा। दरअसल नंदेड़ में सचखंड हुजूर साहिब गुरुद्वारे में होली के मौके पर प्रशासन की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में होला मोहल्ला का आयोजन कोरोना गाइडलाइंस के हिसाब से करने की सलाह दी गई। ज्यादा भीड़ जमा नहीं हो इसलिए गुरुद्वारे के गेट पर ताले लगा दिए गए, लेकिन कुछ लोगों को ये मंजूर नहीं था। बताया गया कि दोपहर तक गुरुद्वारे में सारे धार्मिक अनुष्ठान और होली शांतिपूर्वक मनाई गई, लेकिन होला मोहल्ला प्रतीकात्मक रूप से निकालते वक्त भारी भीड़ गुरुद्वारे परिसर में जमा हो गई। कुछ लोगों ने गुरुद्वारे के गेट के ताले तोड़ दिए, जिस वजह से जुलूस रास्ते पर आ गया। पुलिस को सूचना मिलते ही भारी फोर्स मौके पर पहुंच गई। इस दौरान भीड़ ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। बताया गया है कि भीड़ ने पुलिस अधीक्षक पर तलवार से जानलेवा हमला किया, वहीं कई पुलिसकर्मी भीड़ के हत्थे चढ़ गए। इस घटना में 4 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। साथ ही इस दौरान भीड़ ने पुलिस वाहनों को भी भारी नुकसान पहुँचाया है। NIA ने एंटीलिया के पास से विस्फोटक मिलने के मामले में आरोपी निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम की धाराएं भी लगाई हैं। मुंबई में 25 फरवरी को उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर एंटीलिया के पास एक कार से विस्फोटक बरामद हुए थे। इस मामले में वाजे NIA की हिरासत में है, मगर अब इस मामले में नवी मुंबई के कमोठे क्षेत्र से एक कार को बरामद किया गया है। इस कार का उपयोग सचिन वाजे का सहकर्मी API प्रकाश उवल कर रहा था। NIA ने अब तक की जांच में 7 वाहनों को जब्त किया है। आउटलैंडर को वाशी पुलिस स्टेशन के परिसर से जब्त कर लिया गया है। आपको बता दें कि इस गाड़ी को कमूठे इलाके में शीतलधरा सोसाइटी के परिसर से जब्त किया गया है। अब तक बरामद की गई 7 कारों में से ये पहली कार है जो सचिन वाजे के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये मित्सुबिशी कंपनी की आउटलैंडर कार है। इसे 2011 में रजिस्टर्ड कराया गया। कोर्ट ने निलंबित मुंबई पुलिस के सिपाही विनायक शिंदे और नरेश धारे को 7 अप्रैल तक NIA की हिरासत में भेज दिया गया है। उन्हें मनसुख रेम की मौत के मामले में गिरफ्तार किया गया था। जम्मू कश्मीर के सुपोर इलाके में नगर निगम पार्षद में हुए आतंकी हमले में एक और काउंसलर की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को काउंसलर शम्सुद्दीन पीर की मौत हो गई। वो आतंकी हमले में घायल हुए थे और उनका श्रीनगर के अस्पताल में इलाज चल रहा था। अब तक इस आतंकी हमले में 3 लोगों की जान जा चुकी है। आपको बता दें कि सुपोर इलाके के नगर निगम पार्षद के ऑफिस में सोमवार को पार्षदों की मीटिंग पर आतंकी हमला हुआ था। इस आतंकी हमले में मौके पर ही काउंसलर की मौत हो गई और एक जवान शहीद हो गया था। हमला उस वक्त हुआ जब वहां बैठक की तैयारियां चल रही थीं। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन द रेसिस्टेंस फोर्स TRF ने ली है। घटनास्थल पर ही जान गंवाने वाले काउंसलर का नाम रियाज अहमद और जवान का नाम मुश्ताक अहमद है। BDC प्रमुख और काउंसलर लगातार आतंकियों के निशाने पर हैं। जम्मू कश्मीर में मजबूत होती लोकतंत्र की जड़ों ने आतंकी ताकतों को हिला रखा है। यही वजह है कि आतंकी लगातार कायराना हरकत कर रहे हैं। कनाडा की एक लाइब्रेरी में सिरफिरे का आतंक देखने को मिला। दरअसल एक सिरफिरे ने लाइब्रेरी में लोगों को बंधक बनाकर चाकू से हमला कर दिया। इसमें एक शख्स की जान चली गई, जबकि 8 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने घायलों के हालात की जानकारी तो नहीं दी है, मगर पुलिस ने लाइब्रेरी में चाकू से लोगों पर हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अकेले ही उसने इस घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल घटना के पीछे की वजह अभी तक मालूम नहीं चल पाई है, मगर पुलिस हमलावर से पूछताछ कर रही है। लंबे समय से लॉकडाउन और कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ यूरोप में भारी उबाल देखा जा रहा है। यूरोप के ज्यादातर देशों में आए दिन बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और सरकार से लॉकडाउन और प्रतिबंधों को तुरंत हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। कोरोना प्रतिबंधों से परेशान रोमानिया के लोग भी सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी बुखारेस्ट की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने पहले तो यूनिवर्सिटी स्क्वायर से लेकर विक्टोरिया स्क्वायर तक मार्च निकाली, फिर संसद के नजदीक प्रदर्शन किया। कोरोना महामारी के बीच सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों का दावा है कि रोमानिया की सरकार कोरोना वायरस को रोकने में पूरी तरह से नाकामयाब रही है और अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए वो प्रतिबंध का सहारा ले रही है। इन खबरों को विस्तार से क्राइम तक पर देखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।